54% थे। 54% का एक लड़का 12वीं के साथ फाउंडेशन करते करते गवर्नमेंट सीट पे अपना एडमिशन ले लेता है। मैं जब भी मिलने जाती थी खुशहाल से, सर से जरूर मिलती थी। यस। तो कमरे में एंटर करते ही वो खुशहाल से बोले, कल तुम 12 बजे कैंप से चले गए। मैं बाहर निकल के बोली, यार चुल्लू बॉस को कैसे बता तू 12 बजे आ गया था। तो क्या माँ ऐसे ही थोड़ी है, बॉस हमेशा कुर्सी लगाए बाहर बैठे। मेरे को भी आशा नहीं थी कि ये डॉक्टर बनेगा क्या MBBS में, इसका सिलेक्शन हो सकता है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। आज मैं नागौर जिले के लाडनू कस्बा कहूँ, तहसील कहूँ, एक बड़ा गांव कह सकता हूँ। लाडनू एक बहुत अच्छी जगह है CLC के लिए। नरेंद्र रेगर लाडनू का बच्चा रुड़की में है। शांति थोलिया नाम कोट करना चाहूँगा। ये बच्ची यहाँ पास ही बाडेर गाँव की है जो लेडी हार्डिंग से उसने MBBS किया था। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो रही साहब, वो लड़की आज एम्स से PG कर रही है गायनिक में। आज मेरी बात हुई थी, उसके फादर आर्मी में, उसका पापा घर पे नहीं, मम्मी थोड़ा आने में दिक्कत रहती है, पर कोई बात नहीं बेटा। शांति अपने बैच की मेरी बहुत प्रिय बच्ची रही हुई है, बिल्कुल एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की, बिल्कुल वो बच्ची जो गांव से गुदड़ी का लाल कह सकते हैं, बिल्कुल सामान्य बच्ची। और कहते फख्र होता है लेडी हार्डिंग से MBBS करना और एम्स से PG करना। दोस्तों अपने आप में क्वालिटी शो करती है, अपने आप में बताता है कि CLC के दिए हुए संस्कार, CLC में दिया हुआ जोश, CLC में दी हुई प्रेरणा उनको बहुत आगे तक पहुंचाते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जो हमारे बीच है, आप IIT कानपुर में है। खुशहाल जैन की मम्मी हमारे बीच है जो एम्स भोपाल में है। प्रवीण धोलपुरिया मेरा बेटा जो SMS में बैठा है। मनीष मानसी जांगिड़ जो बीकानेर है, उसके पेरेंट्स जो आगे हैं ये हमारे बीच आने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद जांगिड़ जो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, बीकानेर से MBBS कर रहा है। दीवान सैनी जो बीकानेर से MBBS कर रहा है। सुनील काला बीकानेर से MBBS कर रहा है। श्याम सुंदर राणावत जो बीकानेर से MBBS कर रहा है। ऐश्वर्य राठौड़ जो लाचड़ी पास ही गांव है, वहाँ की एक बहुत अच्छी बच्ची MO लग गई है, जो अजमेर से डिग्री पूरी की है। संतोष एक गुड़िया जो अजमेर से MBBS किया है, वो MO लग गई है। सुमन राव NIT जालंधर में। सुरेश धोलपुरिया NIT भोपाल में। राजवीर धोलिया IIT पटना में। यास्मीन के पापा हमारे बीच बैठे आए हुए, मजा हाथ इलाए भाई जो नाम बोल रहा हूँ मैं। आपकी बेटी GMC में है, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रही है। विकास मौर्य GM सुरत से हैं। रामनिवास IIT रोपड़ में है। अमित स्वामी के पेरेंट्स हैं जो लड़का गया से MBBS कर रहा है। सुनील बरबड़ जो ISM धनबाद में है। देवेंद्र रेगर जो GMC गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री कर रहा है अपनी। कौशल्या जाखड़ ये लड़की MBBS में एडमिशन हुआ था, वहाँ से विड्रॉ करके बच्ची वो अभी आयुर्वेद से अपना कोर्स कर रही है, अभी आज ही पता लगे से बात का में। जितेंद्र रेगर जो लाडनू का बच्चा NIT पटना में है। तो ये इस बेल्ट के बच्चे हैं जिनके करीब करीब के पेरेंट्स हमारे बीच आ चुके हैं। सबसे पहले मैं जय CLC बोल जा रहा हूँ। ये खास बात है साहब, इसलिए पूरी थकान मिट जाती है साहब हमारी। अपनी बात शुरू करने से पहले जय CLC, मैं लाडनू कस्बे का रेगर बस्ती का रहने वाला छोटा सा आयुर्वेद कंपाउंडर जिसका नाम रामलाल रेगर है। सर मेरा बड़ा लड़का नरेंद्र रेगर 2009 में यहाँ दयानंद स्कूल से 10वीं पास की। उसके बाद मैं सोचा कि बाहर कहीं जाके इसको अच्छी शिक्षा दिलवाऊँ। तो मैं और मेरे जीजाजी थे निम्बी खुर्द के, वो हम दोनों सिक्कर गए। सिक्कर में लगभग 4-5 जो कोचिंग संस्थाएँ चलती थी सब में हम घूमे फिरे। फिर शाम को मैंने कोचिंग का नाम कोट नहीं करना किसी का भी, हाँ सब जगह घूमे फिरे। फिर मैंने डिसाइड किया, मैं जीजाजी आपके क्या जची कि आप बताओ। तो मैंने कहा मैं सर मैं तो CLC में एडमिशन कराऊंगा। तो कहा चलो CLC में करा दो। फिर दूसरे कोचिंग संस्था मेरे पास फ़ोन आया कि क्या हुआ, बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा रहे हो, आपकी हम फीस और फ्री कर देंगे। तो सर मैं कोई फ्री वाली बात नहीं है सर, बच्चे को पढ़ाना तो पैसे तो लगेंगे, लेकिन सर मैं तो मेरी इच्छा वही करवाऊंगा। एडमिशन मैंने CLC में करवा दिया और बाबा हॉस्टल है उसमें बच्चा रहा। एक हॉस्टल बाबा हॉस्टल था, बड़ा हॉस्टल था उसमें रहा। सबसे बड़ी बात ये रही, पुरुषोत्तम बाबा हॉस्टल से, आपके बच्चे बाबा हॉस्टल से, डॉक्टर अब बाबा हॉस्टल से, ये सारे सिलेक्शन बाबा हॉस्टल से ही है। सबसे बड़ी बात ये रही सर कि CLC में शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलते हैं और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बच्चे को घर की याद नहीं आती है। बच्चे को घर की याद बिल्कुल नहीं आती है क्योंकि जो बॉस हैं वो ऐसे बच्चे को जैसे माँ बाप जैसे पुचकारते हैं, दुलारते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो 10वीं 11वीं में पढ़ा और 12वीं में पढ़ा और 12वीं के साथ में NIT रुड़की में सिलेक्शन हो गया। IIT रुड़की, सॉरी IIT में आपका बच्चा 12वीं के साथ सेलेक्ट है। साहब आपका बच्चा 10th का क्या स्कोर था?
और अभी वो अच्छे पैकेज पे नोएडा में लगा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको। उसके बाद सर उसका छोटा भाई देवेंद्र रेगर वो भी यहाँ से 10वीं पढ़ा और सर उसके तो मैं क्या बताऊँ 10वीं में इतने कम परसेंटेज थे, पब्लिक को बताएं 54% थे 10वीं में 54% का बच्चा, नोट करें इस चीज को आप। उसके बाद सर मेरे को भी आशा नहीं थी कि ये डॉक्टर बनेगा क्या MBBS में, इसका सिलेक्शन हो सकता है सर। लेकिन मैं सर बॉस से मिला और बॉस ने मेरे को इतना ढांढस बंधाया कि भाई मेरे तू चिंता मत कर, इसको छोड़ दे मेरे पास में, इसका सिलेक्शन पक्का होगा MBBS में। तो ठीक है सर, 2 साल वो पढ़ा और 12वीं के साथ उसका MBBS में चेन्नई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एक बार भाई रोकना चाहूंगा, एक बार रोकना चाहूंगा, ये CLC साहब 54% का लड़का, ठीक आपके पास SC का रिजर्वेशन है लेकिन भाई 54% भी क्या होते हैं, 54% का एक लड़का 12वीं के साथ फाउंडेशन करते करते गवर्नमेंट सीट पे अपना एडमिशन ले लेता है। ये संस्था वो भी कह रहा हॉस्टल में, कौन सा हॉस्टल में, बाबा हॉस्टल में। आज जो हमारी बी बिल्डिंग है तब हमारा बाबा हॉस्टल वर्क करता, आज हमारे पास में 2 हॉस्टलों के बाबा और बी बिल्डिंग जहां से रिजल्ट्स निकलते हैं। दोस्तों ये CLC है इसीलिए श्रवण चला के हर शाम अपनों के बीच आ जाता है। सच बताओ मुझे भी नहीं पता था कि 54% के बच्चे को हमने GMC दिलाया है, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया है। सर उससे एक बड़ी बात और कहना चाहता हूँ मैं आप सबके बीच में कि देवेंद्र रेगर का पुदुकोटे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया सर, लेकिन सभी लोगों ने मिलने वालों से ने ये कहा कि ये वो तो बहुत दूर है, इसका 1 साल तैयारी और करा दो और इसको नज़दीक कॉलेज मिल जाएगी। तो मैं सर CLC में देवेंद्र को लेके और एडमिशन कराने के लिए चला गया। सबसे पहले मैं मदन जी सर से मिला तो मदन जी ने कहा कि सर कल तो लास्ट डेट है उसकी एडमिशन की और देवेंद्र का तो सिलेक्शन हुआ हुआ है। तो मैंने कहा सर मैं तो एडमिशन वापस कोचिंग करवाने के लिए 1 साल वापस करवाऊँगा, कि दिमाग ख़राब है क्या। तो फिर मदन जी सर ने आपके पास मेरे को लेके गए तो आपने भी यही कहा कि रे यार यहाँ कैसे घूम रहा है मेरा छोटा भाई, इसका सिलेक्शन हुआ वहाँ वहाँ जाके इसका एडमिशन करा, मेरे को फीस की ज़रूरत नहीं है, मेरे इसका सिलेक्शन अगले साल पक्का हो जाएगा, लेकिन 1 साल ख़राब क्यों कर रहा है इसका। और सर मैंने CLC खतई बाद में करते रहेंगे, CLC के कैंपस में खड़े खड़े मैंने मेरी और देवेंद्र की और बड़े वाले बच्चे नरेंद्र उसको हम साथ ले गए, तीनों की एरोप्लेन की टिकट कैंपस में बुक करवाई और आपके कहने से हम सर वहाँ पुदुकोटे गए और उसको अभी 3रा साल। क्या बात है। अगर आप आपके कुल कितने बच्चे हैं सर? मेरे 3 बच्चे हैं। तीसरा बच्चा क्या करता है? तीसरा बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, CLC में तैयारी कर रहा है। आपके 3 ही बच्चे साहब, इसे पूछ रहा हूँ मैं, 2 बच्चे आपका एक IT में है जिसको भाई NIT बनाए घूम रहा है अब तक, एक बच्चा IT रुड़की से पास आउट है, एक बच्चा GMC मेडिकल में, दोनों 12वीं के साथ है और तीसरा आप JEE की तैयारी कर रहा है, निश्चित IT एडवांस हो जाएगा, ये मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरा पूरा विश्वास है। और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जगह दूसरा इंस्टीट्यूट होता, मैं एडमिशन कराने के लिए चला गया, अगर आपकी जगह दूसरा इंस्टीट्यूट होता तो मेरे को कतई ये सलाह नहीं देता कि इसको वहाँ लेके एडमिशन करा दे। वो पक्का यही कहते हैं कि एडमिशन लेने आया है, चलो एडमिशन दिलवा दे, यहाँ अपने 1 साल की फीस ही तो आ रही है। लेकिन आपने बिना किसी लोभ लालच के केवल बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए आपने मेरे को ये सलाह दी कि इसका एडमिशन करा, बाकी बातें बाद में करेंगे। इसलिए मैं CLC का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर मैंने इतनी अच्छी राय दी। उससे पहले मेरा भतीजा है सर, वो 2005 में CLC में पढ़ा हुआ है, वो अभी इसरो की DRDO ब्रांच में साइंटिस्ट है, वो भी CLC में भी पढ़ा हुआ है, बनवारी लाल रेगर। मतलब आपका भतीजा भी CLC पढ़ के आज साइंटिस्ट है। चेहरा के ले लो बेटा। जी सर साइंटिस्ट है वो, इसरो की DRDO ब्रांच है उसमें साइंटिस्ट है, ग्रुप E है वो। क्या बात है, क्या बात है। उससे और कोई मैसेज आप गार्जियन क्या देना चाहते हैं? गार्जियन को मैं तो ये सर यही कहना चाहता हूँ कि अपनी और अपने बच्चे की लाइफ यदि बनानी है तो 10वीं या 9वीं पास करने के बाद उसको तुरंत CLC में भेज दो ताकि बच्चा लाइफ भर खुश रहे और परिवार वाले भी खुश रहें। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई एक लाइन में और कोई मैसेज? एक लाइन में सर ये है कि मेरे छोटे भाई का बच्चा रमेश रेगर, उसने भी MBBS की तैयारी, उसके सर 46% थे
MBBS में नहीं हुआ, लेकिन सर उसका BAMS में सिलेक्शन हो गया। 46% का बच्चा भैया आयुर्वेद में फर्स्ट ग्रेड का लगता है, क्यों जी? उसकी भी सैलरी बराबरी होती है, ठीक है वो उसको वैद्य बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन उसकी भी सैलरी बराबरी होती है, गेस्ट डॉक्टर की सैलरी बराबर होती है, फर्स्ट ग्रेड का आदमी बन जाएगा भाई। वो अभी BAMS गंगानगर से कर रहा है, तीसरे ईयर। क्या बात है, जय CLC। थैंक्स। जय CLC। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं ग्राम जसवंतगढ़ से हूँ और मैंने 11, 12 और 13 मैंने CLC से किया और मेरा एडमिशन मेरे भैया जो आकाश शर्मा है उन्होंने CLC में करवाया और मैं बाबा हॉस्टल से रहा हूँ पूरे 3 साल। और जो मुझे CLC से प्रेरणा मिली, बॉस से जो प्रेरणा मिली, उसी के बदौलत मैं IIT कानपुर तक पहुंच सका और आज मैं BTEC सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कर रहा हूं। और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि जो मतलब रात में जो हमारा कैंप होता था उसमें 1:30 बजे तक जितने स्टूडेंट बैठे रहते थे उनके साथ में हमारे बॉस भी वहीं 1:30 बजे तक बैठे रहते थे, 1:30-2 जितना भी बजना है। लेकिन इतना मेहनत करना मतलब मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि जो एक साथ में यदि बॉस बैठे रहे तो अलग ही मोटिवेशन रहता था। और इसी की बदौलत जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वह भी सिलेक्ट हुए और मैं भी अभी IIT कानपुर से BTEC कर रहा हूँ। आपका एक मिनट, आपका 10th का स्कोर क्या था? 76। 12th में कितना है? 82। ये देखो फाउंडेशन थे आप CLC में? हाँ, 11, 12। 76%, ये चलो 12वीं के साथ आप NIT आपको मिल जाती है, उसको आप विड्रॉ करते हैं, मुझे आज भी याद है। फिर आप एक IIT का चांस और लेते हैं, आपके बड़े भैया की राय भी होती है, राय CLC की होती है, बढ़िया जिंदगी अपनी जी रहे हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने और मेरे बच्चे ने अपने सपने साकार किए CLC के साथ। मुझे लगता है CLC नहीं होती तो आज मेरा बच्चा एम्स में नहीं होता। 10th के बाद में बड़ा ऐसे प्रेशर था क्योंकि बच्चे ने 7वीं क्लास में कहना शुरू कर दिया था मैं टेबल पर बैठ के दवा लिखूंगा। मैं माँ धूप में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं टेबल पे बैठ के दवा लिखूंगा। और वो फोटो लगाता था काट काट के, मुझे लगता था यार अपन कैसे कराएंगे, प्राइवेट कॉलेज में तो अपन करा नहीं सकेंगे। मेरी मदर जो आज मेरे बीच में नहीं, वो हमेशा कहती थी हमेशा उल्टा सोचा कर, ये मेहनत कर रहा है इसको सही जगह पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं CLC तक पहुँची। मैं कहना चाहूँगी मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड सुरेंद्र सिंह शेखावत, वो सीकर के हैं। वो बोले कि दीदी जयपुर जाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ CLC की तरफ देखना है। फिर हम आए सीकर, हमने देखा और आपसे बात हुई। सर खुशहाल मेरे साथ में नहीं था उस वक्त। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को रास्ते में पूछा फीस तो जमा नहीं कराई, आज अमावस है कि अपने को सुगुन से काम करना है। पर बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया और मेरा बच्चा इतना सेटिस्फाई है, वो कहता है कि माँ अगर आप मन में ठान लो और आप CLC पहुँच जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात, क्या बात, थैंक यू कुशाल, थैंक यू। उसके 10th में भी 90 थे और 12th में भी 90 थे। कहीं को नुकसान नहीं हुआ परसेंटेज का? नुकसान नहीं हुआ, मेरे को तो इतना फायदा हुआ कि मैं जीवन में नहीं सोच सकती। 4,800 रुपये में मेरा बच्चा MBBS करके आएगा। क्या बात है, बिल्कुल वहाँ तो साहब बिल्कुल। मेरी इतनी बड़ी लॉटरी लगाई उसने कि मुझे करोड़पति बना दिया, वो सिर्फ और सिर्फ CLC के कुशल निर्देशन की वजह से। और मैं शायद आपके सामने मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मैं कहने में झिझकूंगी नहीं, सर का जो इंस्पिरेशन है, बॉस का जो इंस्पिरेशन है, वो हमेशा ये कहता था। और मेरे को वो दिन याद है, मैं एक दिन मिलने गई थी, तो मैं जब भी मिलने जाती थी खुशहाल से, सर से ज़रूर मिलती थी। Yes. तो कमरे में एंटर करते ही वो खुशहाल से बोले कल तुम 12 बजे कैंप से चले गए थे। मैं बाहर निकल के बोली यार चुन्नू बॉस को कैसे बता तू 12 बजे आ गया था? तो क्या माँ ऐसे ही थोड़ी है, बॉस हमेशा कुर्सी लगाए बाहर बैठे रहते। और मुझे फिर मैंने सर को ये बात बोली, मैंने कहा सर आप इतनी देर तक बाहर बैठे रहते हो, वो लाइन आपकी जो मैंने मेरे जीवन में धारण करी, मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ बॉस से। जो सर ने मेरे को एक लाइन की, वो लाइन अपने आप में बताती है कि इनका कितना डेडिकेशन है। सर ने मेरे को बोला CLC मेरा इश्क है, और जो इंसान किसी से इश्क करता है, भले वो कुछ हो, अपनी माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, भले अपनी संस्था हो जहाँ वो काम कर रहा हो, वो उसके लिए किस कदर तक जा सकता है, कितना जुनूनी हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इतना कहना ही काफ़ी है। और मेरे खुशहाल के आने के बाद में मैंने कम से कम, मेरा तो वो एक ही बच्चा था, उससे बड़ा वाला पहले से सेट हो चुका था, वो उसने BTEC किया है
वो पहले से सेट हो चुका था, तो मेरे कितने ही स्टूडेंट अभी भी मेरे स्टूडेंट है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे पास में आते हैं कि है ना दीदी आप फ़ोन करो ना, बॉस हमें कंसेशन देंगे चुनू भैया के नाम से, और मुझे कहते हुए बड़ा ऐसे खुशी से महसूस होती है मेरे नाम से ही वहाँ पर कंसेशन। अरे नहीं नहीं आप बिल्कुल हमारे बहुत इम्पोर्टेंट गार्जियन, मुझे नाम से ही कंसेशन मिलता है। और खुशहाल आज भी ये कहता है, अभी मेरे को ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, उसने सेकंड ईयर से ही पीजी की कोचिंग ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा बच्चा है, बिल्कुल अच्छा करेगा वो। और बॉस को उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था, और वो जो छोटे भैया है साहिल उनको भी उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था, पर्सनली उसको जानते थे। पहली बार में 539 नंबर उसके नीट के अंदर आए, और एम्स के अंदर उसके 97.99 कुछ परसेंटाइल थी। तो बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में हो गया, क्योंकि उसके साथ वाले एक दो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मानव प्रकृति है, छोटा बच्चा था। और एक बात और, मेरे बच्चे ने 18 साल से कम उम्र में ही नीट क्लियर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बैठ गया, बॉस का फ़ोन आया मेरे पास में, खुशहाल कहाँ है बहन की, वो तो बोल रहा है मैं घर से ही तैयारी करूँगा। बॉस ने मेरे को एक ही लाइन बोली, बात कराओ उससे। पता नहीं उससे क्या बोला, वो बोला मम्मी कल अपने को सीकर जाना। और हम वापस CLC गए, और सेकेंड टाइम में बच्चे ने एम्स भी क्लियर करा, नीट भी क्लियर करा, और AFMC भी क्लियर किया। बिल्कुल, तीनों क्लियर किया। और हमने पूरा हमारा घर का एक, मेरे माता पिता ने मेरे लिए सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, वो सपना मेरा बच्चा पूरा कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है। और CLC के लिए अनंत शुभकामनाएं हैं, एक ऐसा सफ़र है जो कभी नहीं रुकेगा। गांव गांव ढाणी ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर जो निकल रहे हैं, एक किसान का बच्चा किसान सोच रहा है मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक मेरी जैसी सामान्य अध्यापिका का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं CLC। थैंक यू। सबसे पहले मैं बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बिल्कुल बैकवर्ड समाज से, जिसमें से मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई में आप सब जानते हैं कि बहुत ही नगण्य संख्या रहती है, उस बच्ची को उन्होंने GMC महबूब नगर में पहुँचाया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमेशा मैं इनको याद करता हूँ कि यदि ये इनकी प्रेरणा से ही, मतलब बच्ची हमेशा कहती थी कि मैं जब भी जाती हूँ 1:30-2 बजे तक बॉस वहाँ कुर्सी लगाए बैठे रहते हैं और हम नहीं सोते हैं, हमको सुला कर ही सोते हैं, समझ लो। ये सबसे बड़ी बात रही इनकी। और CLC में एजुकेशन के साथ साथ जो पारिवारिक माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, बच्चों को कभी भी घर की याद नहीं आती है, बच्चे इतने उस माहौल में घुल मिल जाते हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही मन रहता है। ये सबसे बड़ी बात CLC की है, बाकी जगह बच्चों को घर की याद बहुत आती है, वहाँ CLC का माहौल एक ऐसा है कि बच्चों को घर की याद नहीं आती है, बच्चे पूरे तन मन से पढ़ाई में लगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज CLC हर साल लगातार सिलेक्शन देती आ रही है। तो मैं CLC का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र जांगिड़ है, मैं यहीं पास के एक गांव से हूं, बल्दू। और अभी मैम जो बात कर रही थी, खुशहाल और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो शुरुआत से साथ में ही थे, तो वही है कि हम 10वीं से बात गए थे, हम पहुंचे थे 11th क्लास में, तो जब बैठे थे तब हमें दिखाई दिया कि भाई लाडनू का भी एक बंदा है हमारे साथ, खुशहाल नाम है, बहुत अच्छे नंबर है उसके, 90% है, 4 सब्जेक्ट में 100 है, तो हमें लगा यार हम तो गलत जगह आ गए। फिर रैंक वैंक निकलती थी, फर्स्ट टेस्ट में रैंक निकलती थी तो हमारी 70 उसकी 5 रैंक, तो हमने मिले एक बार कि क्या है, तो फिर उसने जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, तो कभी भी किसी कोचिंग में बहुत इंपॉर्टेंस वो नहीं करता कि वहाँ के टीचर कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का डायरेक्टर कैसा है, और वो कैसे मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि जितना मुझे पता है सिक्कर में ऐसी बहुत सारी कोचिंग है जहाँ पे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के बहुत महारथी थे टीचर, पर वो कोचिंग एक साल में बंद हो गई, उसमें सारा का सारा श्रेय हमेशा रहता डायरेक्टर को, मैनेजमेंट को, और बॉस का तो है ही कि 25 साल से कोचिंग को चला रहे हैं। तो जैसा कि अभी लोग कहते हैं बहुत बार कि नहीं यार अब CLC में वो बात नहीं रही, वो स्टाफ नहीं रहा, नहीं हो पाएगा उतना, वो फिजिक्स अच्छी नहीं रही, तो वही बात है कि हमने बोला था उनको कि फिजिक्स हमने देखा था एक बार कि एक कोचिंग थी कुछ ए नाम से कुछ लगती थी यहाँ पे, उसमें बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर थे, और यहाँ पे एक और कोचिंग थी जिसमें मेरा भाई पढ़ा था बड़ा वाला, तो उसने बोला कि यार नहीं यहाँ पे अच्छे से टीचर हैं तो वहाँ पे करवा लेते हैं एडमिशन। मैंने बोला नहीं मतलब एडमिशन करवा लो, मन कर रहा है इतना, तो उसने करवाया था एडमिशन, पर हुआ यही कि लास्ट में पता चला कि कोचिंग बंद हो गई है, टीचर ही लड़ लिए CLC में। अब CLC में ये नहीं होता, CLC में बॉस एक डायरेक्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से करना है, और उस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनका। तो हमारी सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा सिलेबस, अगर बॉस ने बोल दिया 12 मार्च को आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है,
तो 12 मार्च को हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, जबकि और कोचिंग हम सुनते हैं कि 12 मार्च की प्रेडिक्टेड डेट थी, 5 मई को एग्ज़ाम है, 3 मई को क्लास लग रही है, फिजिक्स का सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा, वो बातें हो गई। तो मेरे नीट के टाइम में, मेरे नीट में 592 मार्क्स थे और मेरे को SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर मिला था उस टाइम पे, और ऑल इंडिया रैंक मेरी 2039 थी और OBC रैंक 535 थी। और अगर कोई बात मैसेज ही करता है तो मैसेज, तो मेरे हिसाब से यही मैसेज है कि किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट करने से पहले एक बार CLC घूम लें, आप वहाँ का एटमोसफेयर देख लें, आप वहाँ के डायरेक्टर बॉस से बात कर लें एक बार, आपको एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे किसी दूसरे कोचिंग के लिए एक बार जाके भी आना चाहिए। और जितनी बात है कुछ विशेषताओं की, तो हम तो लाडले रहे हैं शुरुआत से CLC में, बालाजी हॉस्टल था हमारा और सबसे प्यारा हॉस्टल था, रूम नंबर 36 था हमारा, तो वो भी सबसे प्यारा रूम था। बॉस आते थे, एक बार बहुत गुस्सा भी गया था, एक बार हमने कुछ कर दिया था कोचिंग में, पर ऐसा है कि सपोर्ट जो होता है ना, एक गार्जियंस की तरह जो सपोर्ट होता है, आप किसी भी संस्थान में जाते हो तो वो आपको बहुत मिलेगा। लोग सोचते थे कि बॉस से निकल जाएं, बॉस देखे नहीं हमें, हम सोचते थे बॉस देख ले हमें एक बार, तो देख ले ताकि हम नज़रों में रहें, और नज़रों में रहना बहुत ज़रूरत है। कोचिंग में जो नज़रों में नहीं रहता वो हमेशा ही कटता जाता है, और बॉस ऐसे हैं कि चलो ऐसे ही कोचिंग से निकले और इधरा इधरा क्या हुआ बस पूछ लेते अचानक से, ऐसे उसको भी प्रेडिक्ट नहीं, अरे मेरे को डायरेक्ट ने बुला लिया, ऐसे बहुत बड़ा फील होता है। वो आ जाके कुछ बताता है क्लास में, अरे आज तो बॉस ने बुलाया था मेरे को, ऐसे गर्व फील होता है। एक मेरा दोस्त राकेश जाधव, बॉस जानते हो आप, ये लक्ष्मी सरवाड़ा उसके साथ बहुत गलत हुआ था एक बार, उसको बहुत बॉस ने झाड़ा, पर वो बड़ी बात है कि हम और कुशाल विथड्रॉल नहीं निकल पाए, और वो बंदा उसके कारण विथड्रॉल निकल गया, ज्यादा पड़ गई होगी ना वही, हमें थोड़ी कम पड़ गई, हमने उस टाइम अगले साल ज़्यादा खाली थोड़ी सी, तो हम भी निकल गए। तो ये सब कुछ रहा हमारा, और कुशाल अभी एम्स भोपाल में है और मैं SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर में हूँ। तो मैसेज कुछ है नहीं, एक मैसेज है कि आप कभी भी कोचिंग ज्वाइन करें किसी भी, आप ऑनलाइन या ये पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह, टीचर वगैरह देख के सिलेक्ट ना करें, आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। हमारे टाइम पे अभी तो डिजिटल करना पड़ता है, कंपलसरी है, वरना हमारा टाइम फ़ोन नहीं होता था, हमें फ़ोन नहीं मिलता था, तो उस टाइम पे जो हॉस्टल में एनवायरनमेंट रहता था एकदम शांत, पढ़ाई का एकदम सही माहौल है, ऐसा बात नहीं मस्ती नहीं करवाते थे, हमने बहुत फिल्में देखी है ग्राउंड में बैठ के, बहुत फिल्में देखी है, साल में 3 या 4 फिल्में दिखाई जाती थी हमें मोटिवेशनल, दंगल वगैरह, सुल्तान, बॉर्डर, चक दे इंडिया, और चक दे इंडिया में तो बॉस फिर लास्ट सीन में है ही उसमें ऐसा, कि उसमें एक लीडरशिप दिखती है, और वही बॉस में दिखती है लीडरशिप चक दे इंडिया वाले की, जो टीम नहीं जीत सकती उस टीम को जिता देते हैं। एक शहर का बंदा होता है, एक टॉपर बंदा होता है, वो कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता है, वो किसी भी कोचिंग से सिलेक्ट हो सकता है, बहुत सही बात आपकी, पर एक जो बंदा होता है ना, उससे परसेंटेज मायने नहीं रखते, आपके 10th में 90% है, आपके 12th में 95% है, मैटर करता है आपका IQ कितना है, अगर आपका IQ है तो आप किसी भी कोचिंग से सिलेक्ट हो सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि मुझे एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग मुझे मेहनत करनी है, तो वो मुझे लगता है CLC काफ़ी बेहतर करता है हर कोचिंग से। लोग कहते हैं कि LMC इतने सिलेक्ट होते हैं, मैंने बोला कि एक रेशियो होता है, एक परसेंटेज होता है कि नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्टेड इतने में से, अब वो आप निकालोगे ना जिस दिन, तो आप कहोगे अरे यार हम बहुत गलत जगह थे, जबकि यहाँ पे हमेशा ही 10% और 10-15% सिलेक्शन रहता है, और हमारा टाइम तो हम कहेंगे मतलब हमने जितना इंजॉय किया है ना, हम किसी कोचिंग में कर नहीं सकते थे, CLC हमारे टाइम और अभी भी बेस्ट है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम राजवीर है और मैं यहाँ पास के विलेज एक बाकलिया से हूँ। सो सबसे पहले तो मैं CLC को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनकी वजह से और उनके जो कांस्टेंट मोटिवेशन है उसकी वजह से मैं आज IIT पटना में पढ़ रहा हूँ अभी। और जब मैं 10th, मैंने 11th में ज्वाइन किया था CLC को, पर जब मैं 10th में था तो मेरे को IIT का थोड़ा बहुत नॉलेज था कि हाँ ऐसा कुछ होता है वहाँ पे, इंजीनियरिंग वगैरह होता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना है। तो लेकिन 10th से पहले मैं कुशाल जो मेरा दोस्त था मैं उसके साथ पढ़ा हुआ था, तो जो 11th में जो मेरे को ज्वाइन वगैरह हुआ था जो CLC में, वो शिल्पी मैम की वजह से हुआ था, वही मेरे को एडमिशन कराने वो ही साथ गए थे, कुशाल भी साथ गया था, तो एक कुशाल था तो मेरे साथ थोड़ा सा वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन गया था शुरू से ही, लेकिन वो एक मेडिकल का था तो और मैं IIT का था, तो हमारा हॉस्टल पहले अलग ही था, तो 11th में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मेरे माइनर वगैरह में काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आने लग गए थे, तो मेरे को B बिल्डिंग हॉस्टल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था।
बट वहाँ जाने के बाद मेरा मतलब पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया था, मतलब एकदम पढ़ाई वाला सिस्टम हो गया था और बहुत ही बढ़िया मतलब एक फ्रेंड सर्कल मिल गया था, ग्रुप मिल गया था जो सबको जिनको मतलब डेडिकेटेड होगी पढ़ाई के लिए दिन रात करना है। और कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं CLC के लिए मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अलग है वो बाकी कोचिंग से, कोचिंग तो है हर जगह कोचिंग मिल जाएगी। एक तो जो वहाँ का जो जो ऐसा होता है कि जो एवरेज लड़का होता है ना वो हो सकता है कि बड़ी सिटीज में जाके भटक जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब CLC में ज्वाइन करोगे तो वहाँ के बॉस तो है ही, वहाँ के कुछ वार्डन्स है जो भी आपको मतलब कॉन्स्टेंट मोटिवेशन देते रहते हैं, मतलब भटकने नहीं देते। मैं एक वार्डन का नाम देना चाहूँगा और उनको सच में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, रामस्वरूप जी, बिल्कुल सीरियसली, मतलब हॉस्टल के कब एंटर कर रहे हो, कितना लेट हुआ, क्यों लेट हुआ, सब पूछते थे तो एक प्रेशर रहता था कि हाँ यार रामस्वरूप जी को यार जवाब क्या देंगे अगर ज़रा सा भी लेट हो गए तो वो एक ठीक था, मतलब वो एक पूरा ट्रैक पे चलने वाला माहौल था उधर। और एक दो चीज़ वो जिसमें दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक कैंप सिस्टम, मेरे को लगता नहीं है और कहीं किसी कोचिंग में ऐसा सिस्टम होता होगा कि रात को 1-2 बजे तक आपको वहाँ पे बिठा के पूरा एकदम वार्डन आपको निगरानी रख रहा है और एकदम पूरा माहौल है वो पढ़ाई वाला है। तो ये चीज़ मैं सच में बोलना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है CLC में। बाकी फिर उसके बाद मेरा 12th के अंदर जो मेंस में मेरा ठीक ठाक निकल गया था लेकिन एडवांस में मेरा हुआ नहीं था और उसके साथ ही कुछ मेरे जो दोस्त हैं उनका हो गया था, तो उस टाइम मेरे को काफ़ी मतलब दुख हुआ था कि यार ये सब निकल गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उनके साथ। लेकिन फिर हुआ कि उनके मार्क्स इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए, मतलब ठीक थे लेकिन फिर बॉस वगैरह ने सब ने बोला कि तुम्हें एक चांस लेना चाहिए, तो उन्होंने एक चांस ले लिया था। तो फिर मेरे को भी ऐसे थोड़ा लग गया था कि हाँ ठीक है एक चांस लेना चाहिए NIT, तो मैंने क्या किया फिर IIT के लिए एक चांस लिया था, NIT के लिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया था, उस टाइम NIT नहीं ज्वाइन किया था। फिर टारगेट में पूरा वापस सेट हो गया, एकदम इन्वायरमेंट मिल गया था, तो उस टाइम फिर उस ईयर को हमने फोड़ दिया था। मतलब जो मैं बोलूँगा कि 5-6 बंदों का ग्रुप था सारे IITs में, जितने लोग हैं सारे IITs में। आप उन बच्चों नाम भी कोट कर दें यदि आपकी मेमोरी हो तो। हाँ नाम बिल्कुल सर, नाम एक तो निशांत है जिसने उस टाइम मेंस भी टॉप किया था CLC से, वो भी IIT कानपुर में पढ़ रहा है। एक गणपत है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी IIT BHU में पढ़ रहा है। और एक है जो विशाल है वो है अभी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, NIT आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर राजवीर हुआ वो भी अच्छा दोस्त है, वो भी दिल्ली में पढ़ रहा है अभी। तो ऐसे करके 5-6 लोगों का ग्रुप था सारे IITs में। तो मतलब इन्वायरमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है और वो CLC में आसानी से मिल सकता है अगर तुम थोड़े से भी मतलब सिंसियर तरीके से पढ़ने के लिए आए हो वहाँ पर। बाकी फिर एडवांस में मेरा हो गया था टारगेट के अंदर, तो IIT मिल गया था, फिर उसके बाद सब सेटल अच्छा चल गया। और यही है जो अभी करंटली जो पढ़ रहे हैं मतलब CLC में, जो IIT की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार देख लो जो ये तुम्हारे साथ 2 या 3 साल है इसमें तुमने अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो आगे वाले 4 साल आसानी से निकल जाएंगे। वरना यही है कि तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा मतलब टारगेट तो सेट हो चुका है कि तुम इंजीनियरिंग करनी है, तो अगर तुमने CLC से नहीं करी तो कहीं प्राइवेट ज्वाइन करोगे तो उसके बाद तुम्हारा स्ट्रगल 4 गुना हो जाएगा CLC से ज़्यादा। तो हो सकता है कि तुम जो 2-3 साल है उसमें एकदम ढंग से मेहनत कर लो सिंसियरिटी के साथ, और बॉस के और गाइडेंस तो मिलती रहती है, जो तुम नहीं मांगोगे फिर भी तुम्हें मिलेगा मोटिवेशन तो भरपूर मिलेगा। मैं CLC नहीं हूँ एक्चुअली सर बॉस, सबसे पहले जे माँ CLC में जब मैं गया, लेकिन मैं NIT और IIT तो नहीं बन पाया, लेकिन जो जीने का तरीका है वो मैंने CLC से सीखा है। क्या बात है यार, मेरा बड़ा भाई आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसने बोला कि आज वो CLC ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक गलती की थी कि जब पूरा सिलेबस हो गया था तो उस टाइम माइनर वगैरह मेजर वगैरह चलते थे, लेकिन मैंने एक गलती की थी कि जब लास्ट टाइम बचा था उस टाइम मैं घर पे आ गया था। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे बड़ी CLC में जो सबसे अच्छी खासियत है वो है बॉस की असेंबली। तो हम जब असेंबली में जाते थे तो ऐसा रिचार्ज मिल जाता था कि आने वाले 10 दिन है 15 दिन है, उसमें एक दूसरे जब भी कभी एक दूसरे से बात करते थे तो ये मन करता था कि यार घर वालों ने अपन को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है। और जब एक दो तीन दिन पढ़ने का शेड्यूल नहीं बैठता तो आपस में बैठ के एक दूसरे से रोते थे, उसको पूछ रहे तेरा क्या हुआ कि यार बॉस ने अपन को ये यहाँ पे बोला था कि यहाँ जब आप जो आपके घर वालों ने यहाँ किस लिए भेजा है, क्या वो काम कर रहे हो, क्या उस दिशा में आप काम कर रहे हो, तो अपने आप से बात किया करो। तो हम भी अपने आप से बात करते थे तो लगता था कि अपन घर वालों ने यहाँ भेजा है, अपन 2 दिन से अपने पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बैठा है। तो लेकिन हमने लास्ट टाइम यही कहा था कि हम लास्ट 1 महीने में घर पर आ गए थे, लेकिन जो बॉस की जो असेंबली से जो रिचार्ज मिलता था उस रिचार्ज की कमी आ गई, उसकी वजह से हम भी आज NIT और IIT नहीं बन पाए। लेकिन जो CLC से जो जिंदगी जीने का तरीका है मोटिवेशन, क्या कर रहे हो अभी सर? मैं एक्चुअल में टीचिंग लाइन में हूँ। क्या बात, और मैं चाहता हूँ कि CLC का जो वटवृक्ष है वो
दिन रात चौगुनी हर साल बढ़ता रहे। मैं सीधा ये बताना चाहता हूँ कि यदि बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा मेरे कहने से सीधे आप सीएलसी चले जाइए और आपका बच्चा 100% डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। और बाई चांस डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा तो बहुत अच्छा इंसान बनेगा, ये मैंने 15 साल में बोस के निर्देशन में देख लिया है। और अभी एक भाई साहब के बच्चे का 44% का बच्चा जो डॉक्टर बना है, तो इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी स्कूल चला तो कई बार बच्चे जिनके परसेंटेज कम होते हैं वो साइंस नहीं लेते हैं, घबरा जाते हैं। तो उनको भी मैं आज लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता है। किसी कारण से आपके 10th में परसेंटेज कम बन गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका सपना है कि मेरे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो मेरे कहने से सीधे आप सीएलसी सीकर चले जाओ, आपका सपना 100% पूरा होगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। और इसके अलावा मैं भी बोस से 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल में मैं थोड़ा मेरा भी बता दूँ कि 15 साल पहले मेरी संस्था की ग्रोथ थोड़ी डाउन थी और जब से मैं बोस से जुड़ा हूँ मेरी संस्था की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगी। मेरे संस्था के बहुत सारे बच्चे बोस के पास पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने और अभी वर्तमान में 70+ बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। क्या बात है। और मैं तो बोस को ऐसा मानता हूँ कि मेरे रूम में 5 साल पहले एक बोस का वहाँ कार्यक्रम था उस समय बताया था और मेरे जैसे बहुत सारे साथी और स्टूडेंट हैं जो मेरे रूम के अंदर बोस की फोटो लगी हुई है और मेरे ऑफिस के अंदर फोटो लगी हुई है। सुबह उठते ही मैं बोस को भगवान मानता हूँ और मेरे को बोस से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। जैसे अपन किसी भगवान को इष्ट को भी मैडम ने बताया तो मेरे लिए इष्ट ही है ये। और जब भी मैं निराश होता हूँ, जब भी कभी स्कूल में कोई टेंशन हो जाती है, तुरंत बोस का मोटिवेशन निकालता हूँ, सुनता हूँ, उसके बाद में वैसी एनर्जी आ जाती है। और इसके अलावा सर, आपने बूटा टी का नाम सुना है, लगवा की कोई भी बीमारी होती है तो लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ परिक्रमा करते ही वो तैयार हो जाते हैं। वैसे ही मेरे तो 1 महीने के अंदर मैं सीएलसी का जब परिक्रमा कर में आ जाता हूँ तो पूरी मेरे में एनर्जी आ जाती है। और आज सर रिया क्षेत्र के अंदर बालोथान का मेरी संस्था का बहुत ही अच्छा नाम है, नाम आपका बहुत बड़ा नाम है, 97-98 कोरोना के अलावा, कोरोना के परसेंटेज तो 99-100 भी पहुंच गए, उसको हम कोई नहीं मानते, उसके अलावा भी हमारी संस्था से 98% तक हमने रिजल्ट दिया है। तो मैं सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ कि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप बोर्ड से जुड़ जाइए, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाइए। आपकी स्थिति थोड़ी बहुत पारिवारिक कमजोर हो सकती है तो आप बॉस से रिक्वेस्ट करके आप बॉस हर प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे, ये मेरी मेरी गारंटी है।